हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लेटर लाइन सिस्टम पढ़ा था जो कि फिशेज को उनको पानी में रहने के लिए करंट से प्रेशर से बचाने के लिए लेटर लाइन सिस्टम पाया जाता है। आज हम और अन्य स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पढ़ते हैं जो कि फिशेज में पाए जाते हैं एज ए रिजल्ट टू सस्टेन देमसेल्फ अगेंस्ट वेयरिंग थ्रू एक्वेटिक हैबिटेट। सेवरल एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स इन फिशेज हैव बीन, मतलब इनको पानी में रहने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो आराम से ही पानी में रह सकते हैं। इवॉल्व टू मीट स्पेशल एनवायरनमेंट बेस्ड रिक्वायरमेंट द इम्पॉर्टेंट वंस डिस्क्राइब इन द चैप्टर लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड पॉइजन ऑर्गन। तो ये चार जो हैं इनके स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लाइट प्रोड्यूसिंग में ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में ये इलेक्ट्रिक रेज प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग में सुनने के ऑर्गन्स होते हैं और पॉइजन ग्लैंड्स में ये पॉइजन उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस ऑर्गन्स, इनको हम ल्यूमिनस ऑर्गन्स भी कहते हैं। दीज ऑर्गन्स आर एडेप्टिव मॉडिफिकेशंस ऑफ स्किन विच सर्व टू एमिट लाइट इन द वाटर। तो ये जो है स्किन के मॉडिफिकेशंस हैं जो कि पानी के अंदर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वेयर द सनलाइट अराइजेज टू पेनिट्रेट, अब इनकी अक्रेंस कहाँ होती है। लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर फिशेज बट एक्सटेंसिवली फाउंड इन मैनी मीजोपिलेजिक एंड डीप सी फिशेज। अ फ्यू कोस्टल वाटर फिशेज लाइक एनोमेलोप्स, कैप्टोरोन एंड फोटोब्लेफोरोन पाल पेबरेटस ऑफ ईस्ट इंडीज एंड द पोरी थीस आर ऑल्सो नोन टू पोसेस द लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तो ये कुछ फिश हैं जिनमें की लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब नेचर ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन फिशेज आर स्पेशलाइज ग्लैंड सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस एंड शो कंसिडरेबल वेरिएशंस इन देयर नंबर एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बॉडी। इनकी लोकेशन कहाँ पाई जाती है। ल्यूमिनस ऑर्गन्स यूजअली अकर अलॉन्ग द लेटरल एंड वेंट्रल साइड्स ऑफ द बॉडी एंड हेड। दे मे बी अरेंज इन वन और टू रोज एक्सटेंडिंग ऑन द साइड्स फ्रॉम हेड टू टेल एज इन द स्कोपेलस एंड हेलासरोप्सिस, और दे मे बी ओनली प्रेजेंट ऑन सर्टेन लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी या इन, ये चित्र में दिखाया गया है कि बॉडी में ये जो है फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। गोल गोल जो बिंदु हैं ये फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ये इसमें दिखा रखा, ये सारे फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं जो कि गोल गोल बिंदु के रूप में पाए जाते हैं। फोटो ब्लेफोरन द फोटो फोर्स आर सब ऑर्बिटल इन फ्यू इंस्टांसेज एज इन ओपोस्टोमियस। द फोटोफोर्स आर अरेंज इन ट्रांसवर्स बैंड्स ऑन द बॉडी प्रेजेंस ऑफ ल्यूमिनस बार्बल्स इन नंबर द चिन हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन मैक्रोस्टोमेस। लार्ज फोटोफोर्स मे ऑल्सो अकर ऑन द एलोंगेटेड फर्स्ट फिन रेज ऑफ पेक्टोरल एंड डोर्सल फिन एज इन एंगलर फिश। इन द टोड फिश पोरिक्थीर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फोटोफोर्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द लेटरल लाइन। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन, फिशेज विद ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जगह पाई जाती हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर बैथीपेलेजिक लिविंग एट द मीडियम डेप्थ, जो मीडियम डेप्थ में पाई जाती हैं जो कि 500 से 2500 मीटर तक होती है। एंड समटाइम्स माइग्रेट टू द सर्फेस एट नाइट। सम स्पीसीज आर फाउंड इन डीपर वाटर्स। इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, तो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जिन फिशेज में पाई जाती हैं वो है एंगलर फिश ऑफ फैमिली शिराटोडी, लैंटन फिशेज, थर्ड लैंटन फिशेज ऑफ फैमिली मिक्टोफिडी, फोर्थ हेलोसुरिड ईल्स ऑफ फैमिली होलोसुरिडी, फाइव हैचेट फिशेज ऑफ फैमिली स्टर्नोपिक्टिडी, टोर फिशेज ऑफ फैमिली बट्राकोटिडी, सेवन ईल पोर्ट्स ऑफ फैमिली जॉर्सिडी, ब्रूटोलिस ऑफ फैमिली ब्रूटोलिडी, नाइन एंगलर फिशेज ऑफ फैमिली लोफिडी। फ्यू मेम्बर्स ऑफ इलास्मोग्रैंक्स, शार्क्स, लाइज, स्पिनेक्स, एटमोरपेरिस, सेंटिप्स, सोलियम एंड इलेक्ट्रिक रेज, बेंथोबैट्स आर ऑल्सो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अभी कैटेगरीज ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स इन फिशेज आर टू चीफ टाइप्स। सम स्पीशीज आर सेल्फ ल्यूमिनस वाइल इन अदर लाइट इज प्रोड्यूसिंग बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सेल्फ ल्यूमिनस फोटोफोर्स आर फाउंड इन सम इलास्मोग्रैंस
belonging to family Sculidae and Torpinidae and in the teleosts belonging to the families Stomatidae and Myctophidae or Scopalidae. Light producing organs of the later type are found in a large number of species belonging to different families Melecocephalus, Levis, Monocentris, Japonicus, Photobliferon, Anomalops, Lagiognathus and the angler fishes. Structurally, these photophores consist of a large number of glandular tubules that secrete luminous bacteria. In Melecocephalus and Coleosyrhynchus, the gland opens through a duct on the ventral surface a little in front of the anus. The gland is richly supplied with blood capillaries. In Photobliferon and Anomalops, elongated luminescent organ is located below each eye, having long parallel glandular tube with rich blood supply. The organs are having pores opening to the exterior at the interior and a reflector layer at the hind end. These organs emit light for the long period due to bacterial luminescence. Hence, mechanical devices are developed to turn the light and off. The simple photophores consist of a series of radially arranged glandular tubules which receive branches from the adjoining cranial or spinal nerves. In more complex form, a reflecting layer and a lens-like structure are also developed. Now, mechanism of light production from luminous. अब इसमें जो है, light producing organs में light production कैसे होता है? The extract from the luminescent gland of several fishes like Apogon and Parapriacanthus consist of luciferin and luciferase enzyme. में दो enzyme पाए जाते हैं, जिन्हें luciferin and luciferase कहते हैं. When both combine produce light and presents the cation like Na. तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो ये जो है 2 LH2 plus O2 2 L plus 2 H2 plus HB, वेयर L ल्यूसीफेरिन, HB ए फोटोन. ल्यूसीफेरिन इज एन इंडोल डेरिवेटिव कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिप्टामाइन, आर्जिनिन एंड आइसोल्यूसिन. देन मिक्स्ड विद द एंजाइम इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सील्यूसीफेरिन एमिटिंग लाइट. द ल्यूमिनेसेंस इन फिशेज इज जनरली ब्लू और ब्लू ग्रीन. However, it may be green or green yellow or yellow or blue white. Luciferin ये same tryptamine plus arginine plus isoleucine plus luciferase oxidized to oxyluciferin light to produce. इस प्रकार से इसका chain इस chemical से हम समझा सकते हैं. ये इसका chemical formula है luciferin का. अब है regulation of light emission in fishes. The luminescent organ in fishes are under direct control of nervous system and endocrine glands. Photophores are richly inverted in the luminescence is chiefly under nervous control. The transmitter substance may be the adrenaline or noradrenaline fishes. Mechanical regulation of emission is brought about by rotating luminous organs or by concealing the aperture by pulling over the pigmented sheath. Some stomatoid fishes, photostomias, are capable of rotating their luminescent organs downward by the contraction of a muscle, thus causing the bright surface to be a concealed. Aidicanthus have a different mechanism and is able to pull down a pigmented sheath in front of the light producing surface. Other structure of light producing organs in certain fishes. The luminous organ in the fish is located in the rectal region and the cup like, having its aperture directed outwards. It consists of a pigmented layer, refractory layer, glandular tissue and the lens as its chief components. The pigmented layer is innermost in position and prevents light from passing out of the chamber. The reflector is thick and shaped to reflect light towards the aperture of the photophores. The photogenic glandular cells are richly vascular and from lining of the cavity of the cup. The aperture to photophores is equipped with a lens made of a homogeneous mass of relatively smaller but highly refractive cells. अब है लैंटर्न फिशेज. लैंटर्न फिशेज बिलोंगिंग टू फैमिली Myctophidae आर नोन टू पोसेस फोटोफोर्स विच आर हाईली डेवलप्ड बोथ इन नॉक्टर्नल इन ट्रूली एबाइसल फिशेज. फोटोफोर्स आर स्मॉल पर्ल लाइक बीड्स
is situated on each side of a series along the ventral and the lateral side of the body. They are also be present on mandible, operculum, above and below the eyes, and even dorsally in front of tail in myctophorm. The phylogenic part of photophores is represented by a small circular lying between disc lying between two overlapping scales. The photophores are small pearl like beads situated on each like in a series along the ventral and the lateral side of the body. They may also be present on mandible, opercular, below and eyes, and even dorsally in front of tail and myctophorm. The photogenic part of photophores is represented by a small circular disc lying between two overlapping scales. The lower scales in concave and covered by a silvery reflecting layer that is backed behind of a layer of pigments. The outer scale is flattened and becomes more or less transparent to represent the lens. Third hai stenopics. The stenopics belonging to family Stenopictidae possess more complicated photophores. It is heavily equipped with photophores having a ventral series of photophores on abdomen, lateral series in front of gill opening, a row on each side and three above and three behind the base of the pectoral fin. So another row of three photophores is located above the anal aperture. Each photophores consists of a dorsal chamber lined extremely with a pigmented layer and internally by a layer of glandular cells. Light producing in the dorsal chamber passes out through small holes equipped with filters into the tube-like projection of photophores. The tubes are also lined with reflecting layers made from the crystal of guanine, light emerging from the dorsal chamber. Ab hai elasmobranchs. Self-luminous organs restricted only to a few members of elasmobranchs, sharks and spinex and electric rays. Benthobeds are common example. Certain fishes, rat tails and cirrhids produce luminosity by producing extracellular luminous slime. Our biological significance of luminescence in fishes. First, the light emitted by the deep sea fishes enable their search their prey. तो अंधेरे में इनको जो है अपने शत्रु को पहचानने में सहायता मिलती है. इन द डार्क वाटर्स दस द सब ऑर्बिटल एंड चीक ऑर्गन्स ऑफ फिशेज द एनामेलॉप्स आर यूजफुल एज टॉर्चेज टू इल्यूमिनेट इन सराउंडिंग. सेकेंड, द इल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स मे बी डिफेंसिव इन सम स्पीशीज. द सडन फ्लैट फ्लैश और लाइट मे डेजल एंड कन्फ्यूज द एनिमी फॉर ए मोमेंट इनेबलिंग द फिश टू एस्केप. थर्ड, सम फिशेज मेक यूज ऑफ देयर ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स to attack the prey near the mouth. Fourth, it has been reported that luminescence in porythes serves as a warning signal for the predators. The fish possess a toxic spine and are avoided the predators. Five, the pattern of photophores on the fish body is also useful in recognizing individual of the same species. तो इस प्रकार ये special character कहलाते हैं जो कि fishes को वातावरण के अनुसार special रूप में पाए जाते हैं. तो आज हमने फोटोफोर्स पढ़े, कलम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कर देंगे. थैंक यू.